बलरामपुर की तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व सांसद मौजूदा सपा नेता भीष्म शंकर तिवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर त्रिपाठी की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम में भीष्म शंकर तिवारी को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ऐसे में पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री पूर्वांचल में अपनी ताकत लगा रहे हैं, अगर विकास में इतनी ताकत लगाते तो आज ताली बजाते। हमारा देखिए जनता का जो भरोसा और विश्वास है ये सामने आपको अगर 4.5 साल में सरकार हो गया, 4.5 साल हो गया, अब तो चुनाव की कभी तिथि आ सकती है और कितना उन्होंने काम किया। अगर इतना अपने काम से वो कह रहे कि हमारा काम दमदार, क्या दमदार काम और उसका ईमानदार सरकार, अगर दमदार होती तो इतना दम क्यों लगाना पड़ता। बलरामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा रथ पर सवार होकर किया। जल शक्ति मंत्री ने यात्रा को पूरी तरह सफल बताते हुए कहा कि जिस तरह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है उससे विपक्षी दलों के लोग बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर 2022 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बलरामपुर में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया गया, विपक्षी दलों के लोग बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। और जिस तरीके से जनता जनार्दन का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है और मोदी और योगी के कार्यों से पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत प्रभावित है, उसी का परिणाम है कि आज बलरामपुर की सड़कें पूरी भगवामय हो गई हैं। हर नौजवान के चेहरे पर मुस्कान है, हर कोई चाहता है कि 350 के पार उत्तर प्रदेश में सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हो। बाराबंकी में एक धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि सरकारें कानून तो बनाती हैं लेकिन इस्लाम में लड़कियों की जल्दी शादी का हुक्म है। उन्होंने कहा कि जल्दी शादी का सेहत से भी कोई संबंध नहीं है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जल्द शादी करके कई बच्चे पैदा करती हैं लेकिन वो सहमत मंद भी रहती हैं। जो खामोश हैं देखते रहते हैं वो भी गुनाहगार हैं, जो कर रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो होता है वो वक़ाफ़ का होता है। वह बोर्ड में जो लोग होते हैं वो बेईमान आते हैं और उसके कर्मचारी जो होते हैं वो सब बेईमान होते हैं ज़्यादातर। और इसी तरह से पूरी जगह आप देखिए हुकूमत जो है वो, चाहे वो बंगाल हो बिहार हो, वहाँ सब देख रहे हैं कि वो हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, मुसलमानों के वक़ाफ़ लुटते रहते, बल्कि बहुत से बड़े बड़े वक्फों पर खुद हुकूमत के कब्ज़े हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके चमचे जो है वो आए औकाफ में और उनके जो जुर्म है, जो हुकूमत की बेमानियां और करप्शन है वो खुलने न पाए। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से किन्नर समाज के बस्ती जिला अध्यक्ष यादव सुमन किन्नर को बनाए जाने के बाद किन्नर समाज के जिला अध्यक्ष यादव सुमन किन्नर का बस्ती में जोरदार स्वागत किया गया। यादव सुमन ने कहा कि 2022 में अगर सपा की सरकार बनेगी तो बस्ती जिले में बंद चीनी मिलों को चालू कराया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। हम इस वक्त को इस तरह निभाएंगे कि जो जो पिछले साल में जो योजनाएं थी हम जाके वो हम पता करते हैं, आए सरकार में हम जो हमारी सरकार आएगी उसमें हम सारी योजनाएं पूरा करेंगे। जो जनता की हमारी मांग है, जो हमारे मजदूर भाइयों की मांग है, विधवा पेंशन, सरसाला आवास और जो भी हमारे बेरोजगार हैं उसके लिए हम हक लड़ाई लड़ेंगे और वो हम दिला के ही रहेंगे, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम झूठे देते हैं, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की होने वाली सभा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा 70 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। आज अनसुईया मंदिर से विजय संकल्प यात्रा मंडल से मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टैंड पर होगी। कल नंदप्रयाग घाट में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। तो विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा चल रही है। विजय संकल्प यात्रा पूरे हमारे 70 विधानसभाओं में चल रही है। सौभाग्य है कि कल हमारे अनसुईया माँ मंदिर से मंडल से ये यात्रा प्रारंभ होगी और यह यात्रा उसके बाद हमारे गोपेश्वर बस स्टैंड पर भव्य जनसभा होगी। उसके तत्पश्चात दूसरे दिन परसों हम जो है यहाँ से नंदप्रयाग होते हुए हमारे नंदानगर घाट में एक विशाल जनसभा होगी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रहने वाले हैं। उसके तत्पश्चात हमारे कर्णप्रयाग में भी एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने वाली है। उसके बाद हम गैरसैंण जाएंगे। गैरसैंण में भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व रहने वाला है और वहाँ भी हम रोड शो के माध्यम से ग्रीष्मकालीन राजधानी में अपनी जीत का आगाज करेंगे। तत्पश्चात हम वहाँ से अपने गोचर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देवरिया के विधानसभा बरहज के पीएसपी के जिलाध्यक्ष और बरहज से टिकट के प्रबल दावेदार गिरेंद्र प्रताप यादव ने अपने कैंप कार्यालय पर किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर गिरेंद्र प्रताप यादव ने अपनी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और आज हम सभी लोग किसान दिवस के रूप में इस जयंती को मनाने का मन बना के हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं और इसमें हर गरीब मजदूर किसान के सभी लोग आएंगे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस जयंती को पूरा दिन धूमधाम से हम सभी लोग मनाएंगे। फरुखाबाद के थाना अमृतपुर परिसर में बीजेपी मंडल महामंत्री के साथ दारोगा राजेश कुमार ने अभद्रता की, जिसके चलते सूचना मिलने पर पहुंचे भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने थाने का घेराव किया। वहीं बीजेपी नेताओं का हुजूम देखकर थाने में हड़कंप मच गया। इसी के साथ ही भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों को कार्यशैली सुधारने की चेतावनी भी दी और कहा कि कार्यकर्ताओं का किसी भी सूरत में उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिरोजाबाद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश कुमार शर्मा पहुंचे और शिकोहाबाद में जनसभा के दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और सभी विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है। कांग्रेस से पूछना चाहिए, वो हिंदुत्व पर आरोप लगा रही है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, हमारी जो भी योजनाएं हैं बिना जाति धर्म के आई है। गाजियाबाद में ऑटो चालकों ने हड़ताल का आह्वान किया है। दरअसल ऑटो ट्रेड यूनियन का आरोप है कि उन पर एक आदेश थोपा जा रहा है। आदेश में कहा गया कि ऑटो के रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पहले मीटिंग करके कुछ ऑटो यूनियन के साथ ये फैसला लिया था। फैसले में कहा गया था कि रूट निर्धारित होने से रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सवारियों की सेफ्टी भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ ऑटो यूनियन इसका विरोध कर रही है। गाजियाबाद में ज्यादातर ऑटो नहीं चल रहे क्योंकि ऑटो चालकों ने हड़ताल कर रखी है। चालक ट्रेड यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ जी। हम 20 तारीख से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारी जो है 22 तारीख तक किसी अधिकारी ने बात नहीं सुनी। कप्तान साहब को भी हमने जो है अपनी टिकट दी, एसपी साहब को भी दी, लेकिन हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तब हमने परमिशन लेकर यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होकर
यहाँ बैठना पड़ा। क्या वजह है जो हड़ताल पर है? हमारे ऑटो चालकों को एक तो एसपी ट्रैफिक ने रूट दे दिए हैं जो कि हम पर रूट नहीं बनते हैं, दूसरा हमारी जो ऑटो की फिटनेस है वो प्राइवेट हाथों में दे दी है, मनमानी तरीके से वो जो है ऑटो की फिटनेस कराते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं, उससे हमें बड़ी परेशानी होती है। तीसरा हमारे ऑटो स्टैंड देखेंगे यहाँ पर इतना इतना पानी भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। अलीगढ़ में सपा रालोद की संयुक्त जनसभा के दौरान अव्यवस्थाएं देखने को मिली। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पहले मीडिया गैलरी पर कब्जा किया और उसके बाद रेलिंग भी तोड़ दिया। वहीं अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और मजबूरन कई कार्यकर्ताओं को वहां से वापस किया। वहीं कार्यक्रम के बाद आलम यह था कि कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने की होड़ में इस कदर बेकाबू हो गए कि वहां पर रखे स्पीकर लोगों के ऊपर गिर पड़े, जिससे कुछ लोग घायल भी हो गए। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पर चढ़ने के लिए कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का देकर चढ़ रहे हैं। हालांकि रेलिंग भी उस समय टूट गई, जिससे कई कार्यकर्ता घायल भी बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में जाम, अवैध अतिक्रमण, मांस की दुकानें, भू माफियाओं की दोबारा सक्रियता और आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी पर भड़के लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने कहा कि पुलिस के संरक्षण में अवैध कार्य हो रहा है। एसएसपी से कहा कि अगर लोनी को अपने कार्य क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं तो एक सप्ताह में स्थिति को दुरुस्त करें। गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र में जाम लगने के विवाद में ग्रामीणों ने यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया और मारपीट की। मारपीट में यात्रा में शामिल कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, यात्रा में शामिल गाड़ियों में भी ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से निकली जनसंख्या समाधान यात्रा चंदौली से गजोपुर पहुंची थी। यात्रा सुहवल क्षेत्र में दौरा कर रही थी।